हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं अपने मामा के गांव, जो कि ये यहां से बस 40 किलोमीटर दूर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें नए नए वीडियो ला सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं खेत में जा रहा हूँ। ये अपना गाँव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर कहीं आपको आना पड़े तो यहाँ पर मेरे को ईमेल कर देना कि मैं आपको छोड़ने आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पे मेन हाईवे है, जो यहाँ पे है सड़क। हम सड़क पे जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ से कैसे जाते हैं। उस गांव का नाम है बरवाड़ा, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, मेरे मामा के गांव। और उनको पता नहीं है कि मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, उनके लिए तो ये सब सराइज रहेगा। ठीक है, चलो। तो अभी हम गाड़ी में बैठ के वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा तालाब, जो कि बहुत ही बड़ा है, कम से कम 3 से 4 एकड़ बड़ा होगा। और सामने आ रहे मेरे दादाजी, जो कि बहुत ही होशियार है। दोस्तों, अभी रास्ते पे उतर गए, 3 किलोमीटर की मंजिल तो तय हो गई है। अब हमें जाना है उस पार, जो कि बहुत ही रास्ता सुमसाम है। और अगर आपकी दुआ लगी तो जैसे ये मिल गया एक को, वैसे और कोई मिल जाएगा। चलिए, अब हम जाते हैं इस सफ़र में लॉन्ग ड्राइव पे, बड़े से धूप में। तो अब आपके भाई का क्या हाल होता है, आप खुद देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ से कुछ ही सेकंड की दूरी पर वो है, मतलब टाइम लगेगा आधा घंटा चलने में। अगर भगवान और आपकी दुआ रहेगी तो इसी रास्ते से कोई आएगा और मुझे बिठा के ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात में भले लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि ये मेरे को ले जाएगा, लेकिन यहाँ तक ले गया और उसने पानी की बोतल भी दे दी उस मंदिर से भर के। दोस्तों, बहुत ही अच्छा आदमी था। अगर वो वहाँ पे जाता तो मुझे ज़रूर ले जाता, लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं वहाँ से मंदिर तक, और वहाँ से हमें कोई ना कोई तो चीज़ मिल ही जाएगी जहाँ से हम जा सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, बहुत धूप है यहाँ पे, 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो कि बहुत ही गर्म है। गुजरात में दोस्तों भले लोगों की कमी नहीं है। एक भाई ने मेरे को बोतल दी थी, जो कि बहुत ही अच्छे भाई थे। तो चलिए जल्दी से जाते हैं, बहुत ही धूप है यहाँ पर। अभी लॉन्ग टाइम पे वहाँ पे कुछ झोपड़ी जैसा लग रहा है, वहाँ पे कुछ बिक रहा है, तो वहाँ पे हम कुछ खाने का सामान लेते हैं। फिलहाल तो मैं कुछ सामान खाने का नहीं लाया हूँ। अरे वाह, यहाँ से दिख रहा है वो तरबूज बेच रहा है लगता है। तो भाई, तरबूज का रेट पूछेंगे फिर जाएंगे। भाई बहुत ही ठंडा पानी है, तो गर्मी में ठंडा पानी बहुत ही याद आएगा। चलो, अगर कोई टेम्पो वेम्पो आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए वहाँ पे कुछ मिल रहा है, अभी हम लेंगे खाने के लिए, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, अभी बहुत ही गर्मी हो रही है और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि सड़क सुनसान है, कोई नहीं है, बस यहाँ पे दो गठरी है। मैंने यहाँ से कुछ लिया खाया, और पानी हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ पानी मिलेगा। दोस्तों, कोई नहीं आ रहा, बस यहाँ से आ रहे हैं, हमारे को जाना है। चलिए अब देखते कोई ना कोई मिल जाए, वरना धूप में तो हम यही टक्कर लेने वाले। देखिए रास्ता सुनसान। दोस्तों, आज मैं इतना हैरान हुआ हूँ कि अगर आपको बता पाऊँ तो आप नहीं सच मानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी आ गया हूँ 35 किलोमीटर दूर, लेकिन अभी तक मेरे को कोई, मैं 1 किलोमीटर चल के आया हूँ। पीछे एक हवेली थी जहाँ पे मैंने गन्ने का जूस पिया और फिर मैं आ गया। दोस्तों, यहाँ पे कोई सड़क ही ना धूमधाम है, बस यहाँ पे मैं चलता ही जा रहा हूँ। बस अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं बस एक ही कदम पे रुकूँगा, जबकि कोई ट्रक या ट्रैक्टर रिक्शा कुछ भी मिल जाए, बस उसकी तलाश में मैं चलता जाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की व्लॉग। मेरे शायद से 4-5 गाड़ी ऐसी गई, क्योंकि आज है हनुमान जयंती, तो कोई रोक नहीं पा रहे थे, स्पेशल वाहन उन्होंने कर रखा था। दोस्तों, तो अभी तो मेरे पीछे भी कुछ नहीं है, मैंने गन्ने का जूस पिया, 30 रुपये का प्यास लगी थी, फिर अब मैं चलने लगा। कोई आए तो अच्छी बात है, वरना चल के ही जाना पड़ेगा और मेरा तो एनकाउंटर हो जाएगा। चलिए, अब कोई वाहन मिलता है तो फिर वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे भाग्य में लिखा है गाड़ी में बैठना, तो वहाँ से एक रिक्शा आ रही है और रिक्शे के पीछे ही इक्को है।
अगर दोनों में से एक बिठा ले तो अपनी बात बन जाएगी दोस्तों। चलिए वेट करते हैं इक्को का, रिक्शे का। इक्को हमें जल्दी पहुंचाएगा लेकिन रिक्शा में मज़ा बहुत आएगा। चलिए जो कोई आगे अगर बिठाएगा तो सही बात है, वहाँ से इक्को आ रही है। अभी रोक लेते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों आने वाली है रिक्शा, अभी हम बैठ के वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं उसके गांव, जहां से बस है 2 किलोमीटर दूर उसका सफर, और उसको पता भी नहीं है कि हम उसके 40 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ गए उसके गांव उससे मिलने। उसको जब ये वीडियो पता चलेगी, अभी तो नहीं पता है, मैंने इसीलिए फेसबुक में स्टेटस भी नहीं डाला, वरना मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो स्टेटस जरूर डालता हूँ, लेकिन इस बार मैंने स्टेटस नहीं डाला क्योंकि उसे बिल्कुल मैं सब्सक्राइब करने वाला हूँ, जैसे कि उसको पता ही नहीं है। अब मैंने उसको फोन किया था 2 मिनट पहले, तो उसने कहा मुझसे कि मैं तो अपने खेत में हूँ, तो मैं डायरेक्ट उसके घर जाऊँगा, फिर हाथ मुँह धोऊँगा और फिर निकलते उसके खेत में, और तब उसे पता चलेगा कि हम वहाँ पर गए हैं, और वो बहुत ही खुश होगा, मेरे को पूरा यकीन है। तो चलिए अब उसका सफ़र तय करते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ उसके घर, और उसको पता भी नहीं क्योंकि मैंने कहा था कि वो खेत में है। अब नीचे जाते हैं और उसको सब्सक्राइब देते हैं, और मैंने अभी अभी देखा है वहाँ से लोग आ रहे हैं, वो मेरे दोस्त आ रहे हैं जैसे कि आपको पता होगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वर्ड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।